टू माई चैनल में इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। सो आज है विजया दशमी, मतलब आज है दशमी विसर्जन और वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग देख रहे हैं वेदर बहुत ख़राब है। और मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ, आज विजया दशमी है तो हैप्पी विजया दशमी। एंड जो भी मेरे को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको दिल से थैंक यू। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि मैं ये शूट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं विजयादशमी का वीडियो आप लोग को दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट मुझे मन किया कि मैं दुर्गा पूजा का कुछ भी शूट नहीं की, कुछ भी आप लोग साथ शेयर नहीं कर पाई, तो कम से कम विजयादशमी का कुछ तो शूट करूँ। तो हम मैं तैयार होने जा रही थी, बना रही हूँ। अगर हो पाएगा, अगर कर पाऊँगी तो ज़रूर अपलोड कर दूँगी वीडियो, और नहीं कर पाई तो नहीं जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, अगर अपलोड कर दूंगी तो मेरा विजयादशमी कैसा गया। वेदर सही नहीं है, पूरा क्लाउडी वेदर है, धूप आज हुआ ही नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए, खाना पीना हो गया है तो तैयार होने जा रही हूँ। देखती हूँ कहाँ तक बना पाऊँगी, नहीं बना पाऊँगी। कुछ फ़ोटोज़ होगा क्या, वो भी नहीं होगा क्योंकि सिचुएशन क्या होगा मुझे नहीं पता है। मंदिर में भी बहुत ज़्यादा पानी हुआ हुआ है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना सोची कि पहले हेयर कोम कर लूँ। मैंने हेयर कोम नहीं किया है और तैयार होने के लिए जा ही रही थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर कोम करना है मुझे। और आज विजयादशमी है तो उसके हिसाब से आज करना है मुझे बीच मांग, क्योंकि सब सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को, तो बीच मांग करके हेयर कोम करूँगी आज मैं। पता नहीं बीच अच्छे से हुआ है कि नहीं। एक मिनट, अगर मैं विजयादशमी का ब्लॉग दे पाई तो दे दूंगी, ये ऐड कर दूंगी। नहीं कर पाई तो आप लोग को शायद ये नहीं मिलेगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दूँ। कम से कम विजयादशमी मैं कैसे सेलिब्रेट की और कैसा क्या लुक था मेरा विजयादशमी का, आप लोग देख पाए। ऐसे हम लोग दुर्गा पूजा में कहीं ही घूमने नहीं गए, कहीं निकले ही नहीं हैं। जस्ट अष्टमी के दिन थोड़ा गए थे पूजा के लिए और कहीं नहीं गए हैं। इस बार का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। आप लोग के यहाँ पता नहीं हुआ या नहीं, बट हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। फटाफट सुबह उठी थी तो नहा के घर में पूजा वूजा की, तो आज शैम्पू किया था मैंने। एंड ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं ब्लॉग कर ही नहीं पा रही हूँ, तो ब्लॉग भी करना है मुझे। अब ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ेगा बनाना, तो मैंने हेयर कोम कर लिया है। ज़्यादा उलझा हुआ नहीं था, शैम्पू की थी और कल तेल लगाया था, तो बहुत सुंदर से हेयर कोम हो गया है। तो हेयर कोम कर ली हूँ, पता नहीं बीच मांग ठीक से हुआ है कि नहीं, भी मुझे देखना बस मिरर में जाकर। तो चलिए जाती हूँ तैयार होने के लिए और देखती हूँ क्या होता है, ये ब्लॉग आप लोग को मिलता है या नहीं। बाय। हेलो फ्रेंड्स, सो जैसे मैंने बोला था कि मैं रेडी होंगी, तो मेरा बस यही लुक है आज दशमी का, विजयादशमी का। तो ये है, अच्छे से दिखाइए। सो ये है मेरा फुल लुक। और अब हम लोग जा रहे हैं विजयादशमी के लिए। थाली मैंने नहीं लिया पूजा का, लूँगी क्योंकि अब हम लोग सब निकलेंगे एक साथ, तो बस यही है। चलिए चलते हैं मंदिर और मिलते हैं मंदिर में। बस हम लोग अब तैयार होके निकल रहे हैं। आप लोग अपने घर से बाहर निकल चुके हैं, सब कोई साथ ही निकलने वाले थे, बट माँ लोग अभी तक निकली नहीं है और हम लोग साथ जा रहे हैं।
और बीच बीच में हम लोग परी का बात सुन सुन के हंसते हैं, वो कुछ अजीब अजीब बोलने लगती है। ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर पास में ही है, बट टी गार्डन में देखिए अच्छा अच्छा दिखेगा, ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आप लोग को चारों तरफ। सो छोटा सा पूजा होता है, हम लोग आ चुके हैं पंडाल की तरफ और अभी तक मूर्ति को उतारा नहीं गया है कि सिंदूर लगाया जाएगा, सो हम लोग को कुछ देर वेट करना पड़ेगा। और ये काकी है और ये माँ आ गई और काकी आ गई, तो सब हम लोग फैमिली मेम्बर्स एक जगह हो गए हैं और मूर्ति नीचे उतारा जाएगा और सिंदूर का जो प्रोसेस होता है सिंदूर लगाने का वो हम लोग करेंगे। और यहाँ पर परी कुछ बोली, हम लोग पूरा हंसने लगे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, तो बस हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। यही था आज का, मतलब विजयदशमी का यही ब्लॉग है, मैं थोड़ा ही जो बनाई आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिए। और ये परी का चाचू है जो उसको लेके खेल रहा है। मूर्ति को बेदी से उतार दिया गया है, अब हम लोग सिंदूर लगाने का काम, मतलब जो पूजा है वो स्टार्ट होगा।